हेलो नमस्ते। जयश्रीस किचन में आज बन रही है डिलीशियस टेस्टी वेजी बिरयानी, और वो भी फटाफट 5 मिनट में। आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में वेजी बिरयानी, जो कि खाने में तो इतनी स्वादिष्ट कि सब पूछेंगे कि भाभी जी दावत कब दे रही हो। तो आप भी बनाइए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। तो बिरयानी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा घी डालते हैं। अब इसमें जाएगा तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, जो भी आप डालना चाहे। थोड़ा सा सौटे होने देते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। अब डालेंगे ऑनियन, इसे ब्राउन होने तक सौटे करेंगे। अब हमारे ऑनियन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट, चिली पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, बिरयानी मसाला, सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करते हैं। इसे हमने मीडियम आंच पे रखा है अभी कि मसाले जल न जाए। इसमें बिरयानी मसाला भी डला है, तो आप इसी हिसाब से सॉल्ट और चिली की मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं। सौते हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। तो यहाँ मैंने लिया है मिक्स वेजिटेबल है मेरे पास, कैरेट है, ग्रीन बीन्स है, कॉर्न है, मटर है, और ये बीन्स भी है। तो ये डाल देती हूँ अभी इसमें। आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप डाल सकते हैं। आलू डालूंगी अभी, ये लाल रेड कैप्सिकम और एक हरी मिर्च ली है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्लेम को थोड़ी कम करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना थोड़ा सा, ताकि इसकी फ्लेवर अच्छी आए। और मैंने यहाँ 1 से 1.25 कप जितना चावल भिगो के रखा है आधे घंटे पहले। आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप तुरंत ही वॉश करके भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना दही डालेंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, दिख भी बहुत अच्छा रहा है। आप ये फटाफट से बनाकर खिला सकते हैं सबको। आज के जमाने में टाइम की बहुत कमी होती है हमारे पास, तो ऐसे फटाफट से आप बनाकर खुश कर सकते हैं सबको। अभी मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे से ज्यादा जले भी नहीं, क्योंकि हमको वेजिटेबल को ऐसे ही रखना है। अब हम डालेंगे यहाँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया और मिंट। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ऑनियन भी इस पे अंदर सौते किए हुए ऑनियन भी डाल सकते हैं। और डालेंगे चावल। चावल को ऐसे ऊपर फैला देना है।
अब मैं इस पे थोड़ा सा घी डालूंगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला फ्लेवर के लिए डालेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है पिंच ऑफ सैफ्रॉन, ऑरेंज फूड कलर और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा वाटर। इसके इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम ये डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी चावल से थोड़ा सा ही ऊपर रहे इतना पानी हम डालेंगे। और हाई टू मीडियम फ्लेम के आपको गैस को रखना है और एक ही विसल लगानी है। जब विसल बजने आए तभी आपको स्टोव ऑफ कर देना है। तब हमारा कुकर हो गया है, देख लेते हैं। वाव, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, बहुत से अच्छे से ही बन गई है सिर्फ 5 मिनट में। अब हम निकाल लेते हैं। दाना भी एक एक अलग